160 रोटिये यहाँ पे है हिरी में, इन्होंने जो हमें यहाँ पे आमंत्रित किया था यहाँ पे कवि सम्मेलन के लिए, तो इसको मैं एक मुबारक घड़ी समझता हूँ, एक खूब कदम समझता हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन हिंदोस्तां, है बहुत दिलचस्प तेरी दास्तां, हर फिजा तेरी लुभाती है हमें, हर अदा तेरी तो भाती है हमें, तेरे हर गुलशन में पंछी नगमखां, तेरे हर गुलशन में पंछी नगमखां, आशियां दर आशियां रतबुल्लिसां, मुख्तलिफ तहजीब के इंसान हैं। जीशु साहब और यूनिट के बहादुर जवान और सिविलियंस एंड हमारे हर कदम साथ चलने वाले मीडिया पर्सन, मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज इस वर्ल्ड पोएट्री डे पे। हमें स्कूल की इस यूनिट ने यहाँ के टैलेंट के बारे में कुछ सुनाने के लिए कहा, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ आए और अपने कुपवारा, अपने कश्मीर और पूरे देश हिंदुस्तान के बारे में कुछ नज़में हमने यहाँ पर पढ़े। कि भारत माता सबकी माई, भारत माता सबकी माई, सब हिंदी ही बाई बाई, मन में बहाए प्रेम की गंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अच्छी बात हुई यहाँ पर, क्योंकि अब तक हम जो खोज से थोड़ा दूर थे, इस बात ने हमें ये इनके साथ मिल बैठने का मौका दिया और हम ये समझे कि ये हम में से हैं और हम इनमें से हैं। रश के जनत जमी पर बेशक मेरा वतन है, जाती नजर जहां तक फूलों भरा चमन है, चारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, भरी बहार में इस तरह अपना बाग जला, मिली नहीं है हमें ये अर्ज़े पाक, तोहफे में जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। वो चमन हूँ मैं जिसे सब जानते हैं कश्मीर, खूबसूरत पूरे जग में मानते हैं कश्मीर। जब मंजर पहाड़ों पर आया तब फलक देखे बुलंद, केरम की वो चोटियाँ, बरसरे कश्मीर को भारत को समझो ताज है, आशिकों के दिल पे करता इस तरह ये राज है। नादिर मेरे वतन का हुस्नो जमाल है, अमनो सुकून की ये जिंदा मिसाल है। आज चूंकि बाहर का मौसम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने इसी बाहर के मौसम से ही शुरू किया है। चल बाधि बारा गुलशन में अब रंग बदलने वाले हैं। पर अब दौर नया है, पर अब दौर कुछ नया है, एक मुकम्मल सा समा बना है, 160 TF बटालियन कुपवाड़ा टेरियर जैसे अपनों के साथ फिर खड़ा हुआ हूँ। अब पत्तों के रंग के साथ हवा भी बदली है, लोलाब की तालरे नदी का नया जोश है और अब आगे ही मुझे बढ़ना है।